तो गाइस ये है, थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को लोगों का बनाते हुए। बाप रे, इंडिया में मुझे इतनी गट, ये $10 का सामान है सिर्फ, देखना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ अभी साउथ सूडान में। साउथ सूडान मैंने आपको बताया नहीं, मैं अभी पहुँची हूँ। मैं मुझे 10-15 दिन हुए यहाँ आके। तो साउथ सूडान के बारे में बताऊँ मैं आपको, साउथ सूडान जो है न्यूएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ये है यहाँ की यंगेस्ट कंट्री, यहाँ के लोग इसको यंगेस्ट कंट्री कहते हैं। ये पहले था सूडान एक ही, साउथ सूडान और सूडान एक थी कंट्री। 2011 में अलग हुई है, यहाँ पे सिविल वॉर वगैरह चले बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपस में लड़ाइयाँ हुई इनकी, उसके बाद ये अलग हो गई कंट्री। अलग होने के बाद सूडान एंड साउथ सूडान, अभी हम हैं साउथ सूडान में, जिसकी कैपिटल है जूबा में। हम हैं जूबा में अभी इस टाइम पर। और 2011 के बाद भी ये काफ़ी डिस्टर्ब रही कंट्री, अभी सिविल वॉर चले यहाँ पे, एक दो और भी चले हैं, बट इस टाइम ठीक है, रहने लायक है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं, तो वो तो हैं बहुत टाइम से यहाँ पे, उनको तो बहुत अच्छा लगता है, वो तो एडजस्ट कर गए हैं यहाँ की उसमें। बट क्या है कि हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है यहाँ पे। एक तो ये कैमरा फ्रेंडली देश नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी क्लिक नहीं करने देते हैं। अगर बाहर आप किसी का कोई वीडियो बना रहे हैं, अगर उस फ्रेम में वो लोग आते हैं तो वो लोग बिल्कुल भी बनाने नहीं देते हैं। वो कैमरा ले जाएंगे, जितने भी लोकल लोग हैं वो सारा पुलिस है, मतलब पुलिस तो पुलिस है ही, जो लोकल लोग हैं वो भी पुलिस का काम करते हैं यहाँ पे, तो बनाने नहीं देते। अभी हम मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि हमारे 8 महीने पहले इंडोर ट्रैकर भाई साहब आए थे यहाँ पे, यहीं रुके थे हमारे घर में, तो उनको इतनी दिक्कत आई। अगर आप उनके सब्सक्राइबर हो तो देखते होंगे, उनको इतनी दिक्कत आई इस कंट्री में। वैसे भी जो भी यूट्यूबर यहाँ पे आता है बहुत दिक्कत होती है, बट मुझे लगा मैं आई हूँ यहाँ पे तो थोड़ा बहुत आपको दिखा देती हूँ इस कंट्री के बारे में, अदरवाइज यहाँ आना तो बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पे शूट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि बहुत महंगी है, मैंने तो नहीं ली ना। मैं सोच रही हूँ कि चलो परमिशन लेने के बाद भी वही होता है, अदरवाइज भी वही होता है, तो ऐसे ट्राई करती हूँ बनाने की, देखती हूँ। आज हम जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए साउथ सूडान में। तो कई सारी दिक्कत है इस देश में, बट ये है कि हम तो यहाँ पे हैं, मेरे हस्बैंड कई सालों से हैं यहाँ पे, तो इनको तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे आपको बता दूँ कि इस देश ने बहुत तरक्की कर ली है। 2022 में आई थी मैं यहाँ पे, अगर 2022 का कंपैरिजन करूँ मैं अभी के उसमें, तो बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो आप। तो आज मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। सब्जी जो है यहाँ पे पैदा नहीं होती है, वो सारी युगांडा वगैरह से और बाहर से आती है, तो देखते हैं। वैसे तो यही लोग ले आते हैं, बट मुझे लगा कि मैं जाके देखूँ यार कैसी सब्ज़ियाँ मिलती हैं। ये 2-3 सब्ज़ियाँ लाते हैं बस हो गया, तो मैं देखती हूँ जाके मुझे मिलती है या नहीं मिलती है। चलो दिखाती हूँ आपको सब्जी मार्केट भी यहाँ की, कि सब्जी मार्केट कैसी है। इंडियन है यहाँ पे, बट 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, हमें दिखते नहीं है, बट कहीं पे भी बिजनेस है इंडियंस के बहुत ज़्यादा यहाँ पे। बिजनेस का स्कोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जिसने करना हो, बट दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा है। ये है यहाँ का पेट्रोल स्टेशन, ये देखिए ऐसे होते हैं यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन। और यहाँ पे डीजल और पेट्रोल का रेट है 3690, 3690 दोनों का रेट सेम है। गाइज यहाँ अभी रुके थे हम लोग, कर्टन लेने थे थोड़े से, बनाने नहीं देते, पर मैं कोशिश करूँगी बनाने की। ये देखिए ऐसे कर्टन होते हैं, ऐसे रखते हैं यहाँ पे। ये वाला लिया और ये वाला लिया, बहुत ज़्यादा चॉइस यहाँ पे है थी नहीं, तो यहाँ मीटरों की कशमकश चली हुई है, तो पीटर ने फाइनल कर दिया है, अब हम सिलवाते हैं इनको टेलर से। तो अपने पूरे कमरे के अंदर बिछा देते हैं इसको, ये वाले ना, और खासकर ये फेस्टिवल वगैरह जो इनका होता है। अच्छी शॉप थी, यहीं है, यहीं के लोग हैं। कर्टन हमने यहाँ पीछे सिलने के लिए दे दिए हैं टेलर को, तो देखते हैं कल सिल देगा। ये है गाइस जूबा की कुछ ट्रैफिक, जूबा की कुछ मार्केट। ये मेन जूबा में आए हुए हैं हम, सिटी में, सिटी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए झंडा देखना, जूबा साउथ सूडान का स्टेडियम ही है एक तरह का। ये स्टेडियम है कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन वगैरह करते हैं ये लोग। काफी बढ़िया बना दिया है यार, लगता नहीं है यहाँ आके कि ये जूबा है, बिकॉज नई नई उभरी है ये कंट्री ना। जितनी भी नई कंट्रीज बनी है ना, वहाँ पे सिविल वॉर वगैरह होती है, कंट्रीज के बुरे हाल होते हैं, उसके बाद उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। बट ग्रोथ काफ़ी हो चुकी है यहाँ की, पहले तो बिल्कुल रॉ था यहाँ पे, बिल्कुल ये ऐसे लगता था गाँव में आ गए हैं। अब थोड़ा मेन सिटी तो काफ़ी अच्छी हो गई है। ये KCB बैंक है जो यहाँ का बहुत बड़ा बैंक है माना जाता है,
ये है कुछ झलकियाँ जूबा की गाइस, आने वाले टाइम में मैं और भी दिखाती रहूँगी आपको, तो बने रहिएगा। तो गाइस ये आए हम यहाँ पे कोनियो कोनियो मार्केट बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सब्जी मार्केट भी है और दूसरी इस साइड जो है होलसेल की मार्केट भी है बहुत बड़ी। तो यहाँ जा रहे हैं हम सब्जी के लिए, बहुत बिजी मार्केट है ये, देखते हैं शूट करने की कोशिश करते हैं, होता है तो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए क्या बढ़िया मार्केट है, क्या रश है यहाँ पे, बहुत रश है यहाँ पे, सारी दुकानें हैं यहाँ पे, किसी भी चीज़ की ले लो आप पूरी मिलेगी आपको, चाहे मोबाइल ले लो चाहे कुछ भी ले लो आप, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ये है यहाँ की सब्जी मार्केट, देखना ये शिमला मिर्च है, गाजर है, बैंगन है, जो हम नहीं खाते शिमला मिर्च भी लेनी है। गाइस टमाटर थे 7000 पाउंड के, बीन्स ली हमने यहाँ पे, एवोकाडो, ये देखो मैंगो देखना कितना बढ़िया है, ये युगांडा का मैंगो है, युगांडा का मैंगो है, क्या बढ़िया है। रेट तो एक जैसे ही है, 6000-7000 सारी चीजें इतने में ही है, देखना है कितनी बड़ी है गोभी, गोभी मार्केट पाइया, ज्यादा शूट नहीं कर सकते हैं, लोगों को तकलीफ होती है यहाँ पे। आपके जी 3000 मतलब $1 एवोकाडो लिया मैंने, ये है 1000 का, एक 1000 सुडनीज पाउंड का, एक जूस के लिए लिया मैंने, देखती हूँ मैं जूस कैसे बनता है। सब्जी तो अच्छी लग रही है ना, टमाटर टमाटर तो गाइस ये था हमारा आज का यहाँ का सब्जी का टूर, ये सब्जी की मार्केट बहुत बढ़िया लगा मुझे तो अच्छा लगा कि है ना, और सब्जियाँ भी बढ़िया ले लो, किसी ने रोका भी नहीं मुझे शूट करने से अभी तक। तो गाइस हमने सब्जी ले ली है यहाँ से, मुझे तो अच्छा लगा यहाँ पे, मुझे नहीं पता अभी तक मुझे किसी ने रोका नहीं। ये हम आ गए हैं सब्जी मार्केट में ही है, एक सुपर मार्केट छोटी सी, ये आंटी का है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इंडियन चीज़ें सारी मिलेंगी हर टाइप की, देखना शान के भी हैं, ब्रेस्ट के भी हैं, सारे हैं यहाँ पे, हर चीज़ मिलेगी आपको, बढ़िया हैं मसाले आपको सारे मिलेंगे, तेल सारे मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे, छोटी सी वो है सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट स्टाइल में ही बोल सकते हो आप, है ना, बहुत ही बढ़िया, आप परमानेंट कस्टमर हो, है ना, सारे ही आते हैं। तो गाइस ये था यहाँ का राशन, सब कुछ मिलेगा, छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे, टाटा सॉल्ट मिलेगा, देखना दालें सारी मिलेंगी आपको, ये धनिया पाउडर, मेथी, सब कुछ है भैया, किसी चीज़ की कमी नहीं है अगर आप यहाँ आते हो तो। तो गाइस यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ भी लेना चाहो तो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा महंगा है। तो ये थी आज की कोनियो कोनियो मार्केट गाइस, बहुत मज़ा आया वैसे मुझे तो शॉपिंग करने में, मेरे को आज किसी ने रोका नहीं अभी तक शूटिंग करने से, ये तो डर ही रहे थे, इन्होंने तो मेरी शूटिंग भी नहीं की ना, बार बार बंद कर रहे थे ये, तो ये बहुत डरते हैं यहाँ पे, सच्चे भी हैं, यहीं रहना है इन्होंने तो बट मुझे बहुत मज़ा आया। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो बताना मुझे आपको साउथ सूडान कैसा लगा, साउथ सूडान के बारे में जो लोग नहीं जानते हो तो सोचते होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये सच में बहुत ही अजीब थी पहले तो, अब तो बहुत अच्छी बन गई है कंट्री। तो चलो गाइस मिलते हैं अब अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं यहाँ जूबा साउथ सूडान में। चलो गाइस मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना।